चलिए आज हम ब्रायोफाइट्स के कुछ एम को डिस्कस करेंगे जैसे हमने बताया आपको एम सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी हर टॉपिक में मैं कोशिश करूँगा अच्छा सा अच्छा एम आपके सामने रखूँ तो आज की शुरुआत इस वाले क्वेश्चन से की जाती है तो ये बिल्कुल सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है एक क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन कहता है विच द फॉलोइंग इज द एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम क्या यहाँ किसको हम किससे हम कहा जाता है कि एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम है देखिए टेरिडोफाइट्स नहीं आ सकता जिम्नोस्पोरम एंजोस्पोरम नहीं तो इसका आएगा ब्रायोफाइट्स ठीक है ना ब्रायोन मतलब होता है मोस और फाइट्स मतलब होता है प्लांट ठीक है ना तो ब्रायोफाइटा ठीक है ना स्टडी या एज ब्रायोलॉजी ब्रायोलॉजी ठीक है ना उसको कहते क्या कहते हैं ब्रायोलॉजी उसके बाद आपने इस पर याद रखना है दे आर नोन एज एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम और याद रखना जो स्पोरोपिटिक uh, जनरेशन है वो गेमिटोफाइट पे डिपेंडेंट होती है इस पर एक चीज़ आपने इसमें और याद रखनी है आपने कमेंट सेक्शन में बताना मुझे फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी कौन है ठीक है ना दिस इज़ य होमवर्क चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिक फीचर ऑफ़ ब्रायोफाइट्स कम्पेयर टू अदर ग्रीन प्लांट्स ग्रुप इज़ दैट जो यूनिक फीचर है ब्रायोफाइट्स का एज कम्पेयर टू अदर ग्रीन प्लांट ग्रुप क्या वो सिपोर प्रोड्यूस करते हैं वेस्कुलरिटी वेस्कुलर टिश्यू नहीं है इसमें रूट्स नहीं है द स्पोरोफाइट इज अटैच टू द गेमिटोफाइट दिस इज द ट्रू आंसर ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर टू था इसका आएगा डी पार्ट आंसर क्यों क्योंकि स्पोरोफाइट यहाँ पे कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है ब्रायोफाइट्स पे चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्रुप ऑफ द प्लांट का इंस्टीट्यूट द लोर ब्रायोफाइट्स लोअर ब्राइट्स लोअर ब्रायोफाइट्स में क्या आता है क्या जुगरमीनियल्स है ये एडवांस्ड है टेल्स भी नहीं आएगा मॉसिस भी नहीं तो आंसर विल बी द लेवर आट्स लेवर आट्स में मार्किश आता है बेटा ठीक है तो लेवर आट्स विल बी द राइट आंसर मॉसिस में क्या होता है इसमें रूट की जगह रॉइजाइड्स होते हैं स्टेम होता है और लीफ होता है चलिए इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए लीवर ऑर्ड्स आर क्लोजली रिलेटेड टू एलगी के साथ भी रिलेट नहीं होगा फनजाई भी नहीं लाइकस भी नहीं लीवर ऑर्ड्स किसके रिलेटेड है मॉसिस के रिलेटेड और मॉसिस किस क्लास में आता है ब्रायो फाइटा में आता है चलो जी आपके लिए क्वेश्चन है तारे जमीन पर जैसा क्वेश्चन द फर्स्ट लैंड इनहेबिटेंट प्लांट्स आर जो फर्स्ट लैंड इनहेबिटेंट प्लांट्स हैं क्या हैं वो देखिए सबसे पहले आई एलगी क्या आई एलगी एलगी से फिर ब्रायोफाइट्स आए ठीक है ये मैं बता रहा हूँ ब्रायोफाइट्स से टेरिडोफाइट्स आए टेरिडोफाइट्स से जिम्नो आए जिम्नो से एंजियो आए एंजियो में से पहले डाईकॉट आए फिर मोनोकॉट आए ठीक है ना तो फर्स्ट लैंड देखिए एलगी सारी की सारी एक्वेटिक, तो पहले जो ज़मीन पे आए वो कौन से थे वो थे बेटा ब्रायोफाइट ऑप्शन विल बी द बी जो है इसका राइट आंसर आएगा चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑनली पॉजिटिव एविडेंसिस ऑफ एक्वेटिक एनसिस्ट्री ऑफ ब्रायोफाइटिज़ कोई एक ऐसा सिर्फ पॉजिटिव एक्वेटिक एविडेंस बताओ जो एनसिस्ट्री शो करता है देखिए सम क्या कहता है दे आर दे थ्रेड लाइक प्रोटोनिमा प्रेजेंट होता है ग्रीन कलर होता है सम फॉर्म्स आर स्टिल एक्वेटिक या सीलिएटेड स्पर्म्स होते हैं ठीक है ना तो ये क्वेश्चन मैं रखता हूँ आपके लिए दिस इज क्वेश्चन फॉर यू मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट बॉक्स में चाहिए ठीक है ना और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नहीं है तो ये आपको कमेंट में लिखना है इसका आंसर ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू विच ग्रुप वुड यू असाइन अ विच प्रोड्यूस स्पोर कौन सा ग्रुप जो है वो स्पोर और एम्ब्रियो बनाता है बट लैक सीड एंडस्कुले वेस्कुलेचर वेस्कुलेचर मतलब वेस्कुलरिटी लैक करती है सीड भी लैक करता है लेकिन स्पोर और एम्ब्रियो तो बनाता है एल्गा नहीं आएगा फंजाई भी नहीं आएगा टेरिडो भी नहीं आएगा तो आंसर विल बी ब्रायोफाइट्स चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ रॉन्ग इन इन रिस्पेक्ट टू ब्रायोफाइट्स ब्रायोफाइट्स के रिलेटेड क्या रॉन्ग है वो क्या वाटर इज असेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया नहीं आएगा सी रिलेटेड स्पर्म भी नहीं आएगा प्रेजेंस ऑफ आटोट्राफ्ट डिपेंडेंट स्पोरोट ये भी नहीं है तो आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंडक्टिंग टिशू इन मॉसिस इज मेड अप आप जो कंडक्टिंग टिश्यू है मॉसिस में वो किसके बने होते हैं देखिए मॉसिस में जाइलम फ्लोइम तो नहीं है जाइलम भी नहीं है कोलन कायमा तो भी नहीं है तो इसका आएगा सीधा सीधा आंसर पेरन कायमेटस तो ये पेरन कायमेटस सेल्स होते हैं चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज डिप्लॉयड इन मॉस प्लांट देखिए मॉसिस में आपने बताना है कि डिप्लॉयड क्या है क्या गेमे डिप्लॉयड हैं नहीं स्पोर मादर सेल जो है ये डिप्लॉयड है क्या है स्पोर मादर सेल डिप्लॉयड है और स्पोर मादर सेल अपलॉयड स्पोर प्रोड्यूस करता है क्लियर है ये चीज़

वट विल बी द क्रोमोज़ोम नंबर ऑफ सिपोर तो सिपोर का भी क्रोमोज़ोम नंबर होगा ट्वेंटी होगा चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोटोनी प्रोटोनिमाइफ साइकिल में आता है किस स्टेज में आता है क्या ऑल ब्रायफाइड्स में आता है फोनेरिया या रेसिका में आता है इन दो में से किसी एक में आता है तो ये भी आप मुझे कॉमेंट में लिखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द लीफ ऑफ फुनेरियाज फाइव क्रोमोजुम प्राइमरी प्रोटोनिमा विल है तो ये क्वेश्चन आंसर यहीं पे मिल गया तो लीफ का फनेरिया ली, फनेरिया का लीफ जो है उस उसमें पाँच क्रोमोजोम है तो प्रोटोनीमा में भी कितने होंगे पाँच ही होंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रायोफाइट्स डिफर फ्राम टेरिडोफाइट्स इन बींग ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट्स से डिफर है क्यों क्योंकि वो स्पोरोफाइट हैं ठीक है नॉन वेस्कुलेचर सीडिड वेस्कुलेचर या स्पोरोफाइट ठीक है ना तो ब्रायोफाइट्स टेरिडोफाइट से क्यों डिफर है क्योंकि वो नॉन वेस्कुलर प्लांट है क्या है ये प्लांट है क्योंकि डोमिनेट स्पोरोफाइट नहीं आएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम कहते हैं तो फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहेंगे आर्की गएगा तो ऑप्शन ए विल भी द राइट आंसर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्ट आपने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है इसमें से द ब्रायोफाइट आर कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बिल्कुल ठीक है दूसरा दे आर ना दूसरा क्या है द इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज अस् स्पोरोफिटिक जनरेशन देखिए इंडिपेंडेंट प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक नहीं है वो है गैमीटोफिटिक क्या है वो वो गैमिटो है तो यही नहीं आएगा कि ये तो इनकरेक्ट यही है है ना दे आर नॉन वेस्कुलर प्लांट ये भी ठीक स्टेटमेंट है तो दे रिप्रोड्यूस स्पोर ये भी ठीक है तो ऑप्शन टू आएगा राइट आंसर ठीक है ना तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा बी पार्ट यानी कि टू चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है कि पीट मॉस जो है इज द कॉमन नेम ऑफ ये किसका नेम कॉमन नेम है ये कॉमन नेम है बेटा स्पेगनम को क्या स्पेगनम को हम पीट मॉस भी कहते हैं चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है कि गेमे आर प्रेजेंट ऑन जो गेमिया है वो कहाँ पे प्रेजेंट है सम लीवर ऑट्स मोस टेरिडोफाइट सम जिम्नोस्पर्म तो आंसर विल बी सम लिवर ऑट्स तो इसमें एग्जाम्पल याद रखना मार्केनिशा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके सामने लाया हूँ देखिए पॉलीट्राइकम को कहते हैं हेयर कप मॉस फुनेरिया को कहते हैं रूप मॉस या कॉर्ड मॉस और एंड्रिया को कहते हैं ग्रेनाइट मॉस अभी मैंने बताया आपको कि पीट मॉस किसको कहते हैं ठीक है ना तो पीट मॉस मैंने अभी बताया आपको किसको बोलते हैं स्फेगनम को कहते हैं ठीक है ना तो ये था आज का एम थे ब्रा, ब्रायोफाइट्स पे थैंक यू